अठ्ठावीस वर्षापूर्वी तो 23 नोव्हेंबर 1994ला जो गोवारी हत्याकांड झाला आजही तो दिवस आम्हाला आठवतो। आमचे जे गोरगोवारी बांधव आपल्या भाकरी बांधून या ठिकाणी आले होते की शासनाने आम्हाला न्याय देतील, आम्हाला आमचे आदिवासीत्व बहाल करतील, तर आम्हाला न्याय न मिळता त्या ठिकाणी आमच्या 114 बांधवांना फार मोठ्या प्रमाणात शहीद झाले आणि शहीद झाल्यानंतरही सरकारने न्याय दिला नाही। नंतर हायकोर्टाने सुद्धा 14 ऑगस्ट 2018ला माननीय हायकोर्टाने न्याय दिला, तो न्याय दिल्यानंतर आदिवासीच्या सवलती आम्हाला सुरू झाल्या, एक आशेचा किरण सुरू झाला। परंतु महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात आमच्याविरुद्ध जाऊन अजून आमच्या विरोधात निर्णय घेतला, परंतु काही त्रुट्या त्या निकालात आहे, त्यामुळे आम्ही लवकरच रिव्ह्यू पिटिशन त्याच्यामध्ये करणार आहोत। आज देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी आले, त्यांनी या हिवाळी अधिवेशनामध्ये काहीतरी गोवारीच्या बाबतीत प्रश्न उचलावा, काहीतरी विद्यार्थी युवक बेरोजगार किंवा शिक्षणाविषयी इथं आणि आरक्षणाविषयी प्रश्न उचलावा अशी समाज बांधवाकडून अपेक्षा आहे। मैं सौ माहेश्वरी हेमराज नेवारे, जिल्हा परिषद सदस्य भंडारा और क्षेत्र मेरा है एकोड़ी की नी, और मैं एसटी से वहाँ से निर्वाचित हुई हूँ, वहाँ से चुन के आई हूँ। 94 में यानी हमारे गोवारियों पे बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, और तब के विद्यमान मुख्यमंत्री थे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार और आदिवासी मंत्री थे आदरणीय पिचड़ जी। तब हमारे गोवारियों को जो भी पहले यानी 85 से लेकर यानी 94 तक यानी जो भी सहूलत यानी जो भी सोई सुविधा मिलती थी उस उपलक्ष्य में यानी बीच में बंद कर दी थी, इसलिए फिर हमारे आदिवासी लोगों ने, हमारे गोवारी समाज के लोगों ने यानी अपनी जो भी डिमांड थी, जो भी अपनी यानी जो भी समस्याएं थी, वो समस्या लेकर आदिवासी यानी सभी यानी महाराष्ट्र से आके सभी लोगों ने हिवाड़ी जो अधिवेशन था उस अधिवेशन पर उन्होंने मोर्चा लाया था। हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि हम यहाँ आतंक फैलाएं, लेकिन हमारी जो भी डिमांड थी, जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे पूरी होनी चाहिए, इसलिए हमारे गोवारी यहाँ आए थे। लेकिन हमारे गोवारियों की तरफ कोई भी मंत्रियों ने पलट के नहीं देखा, ना कि शरद चंद्र पवार ने या फिर और अन्य मंत्री थे, उन्होंने भी हमारे गोवारी समाज की तरफ पलट के नहीं देखा। उन्होंने केस दर्ज करके हमारे गोवारियों पर बहुत बड़ा अन्याय किया है, तो इस अन्याय के खिलाफ हम गोवारी समाज के जो भी सभी यानी सभी महाराष्ट्र के जो जनता है, वह अभी हमारा अंत नहीं हुआ है, हम लड़ने वाले हैं, हम लड़ेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। मैं भी जिला परिषद सदस्य हूँ आदरणीय परिणय दादा फुके और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट किया और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं एसटी से जिला परिषद सदस्य बन चुकी हूँ। हमारी रिव्यू पिटिशन चल रही है और हमारा आखिरी तक आंदोलन चलता रहेगा, और हमारे जो भी गोवारी बंधु हैं उनको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम और मैं और मेरे जो सभी समाज के जो भी लोग हैं वह आखिरी तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे में दम है तब तक हम लड़ते रहेंगे।